हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साफ़ा हियर, और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि क्या मेजर शिफ्ट आने वाला है आपकी लव लाइफ में राइट नाउ. राइट नाउ मीन्स कि इस हफ्ते में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मेजरली अपने लव लाइफ में होने के लिए. स्टे ट्यून्ड. रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी. सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब को छोड़ दो. अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी. सो स्टार्ट करते हैं कि क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप अपनी लव लाइफ में आने वाले एक हफ्ते में. क्या मेजर हो सकता है आपकी लव लाइफ में? लेट्स बिगिन. द एम्परर. मिनी ब्रेकअप. एक और कार्ड लेंगे इस तरह से और फिर उसके बाद नेक्स्ट वाले डेक पे चलेंगे. हाँ, क्या मेजर एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले एक हफ्ते में अपने लव लाइफ में? लेट्स सी. एस ऑफ कप्स. अंडरनीथ द डेक वी डू हैव द जजमेंट. सो पहली चीज मैं यहाँ पे मेंशन करूंगी, आप में से कुछ लोगों का ब्रेकअप हो सकता है आने वाले एक हफ्ते में. अगर आपका ब्रेकअप होता है, अगर आपकी कोई रिलेशनशिप में एंडिंग होती है, वो आपके लिए द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन टू यू हो सकता है. आप उसको ऐसे नहीं देखोगे, आपके लिए वो शायद एक बहुत मुश्किल फेज होगा कि ब्रेकअप हो रहा है, एंडिंग हो रही है. लेकिन ये ब्रेकअप आपके रिलेशनशिप में या तो विद इन दैट रिलेशनशिप आपको एक ब्रेक थ्रू देगा या फिर एक नया रिलेशनशिप आपकी ज़िंदगी में आएगा जो कि बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग होगा, जहाँ पर जिस पर्सन से भी आप डील करोगे पर्सन इस रिलेशनशिप को ऑन करेगा जो आपके साथ उसका बनेगा. सो मुझे लगता है कि आने वाले एक हफ्ते में अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है, अगर आप सिंगल हो राइट नाउ, सो देयर इज समबडी कमिंग इन योर लाइफ जो कि बहुत ज़्यादा ओन करने वाला होगा रिलेशनशिप को, बहुत ज़्यादा गिवर किस्म का इंसान होगा रिलेशनशिप में, जो टेक केयर करना जानता होगा रिलेशनशिप में रहते हुए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जानता होगा. रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने वाला पर्सन नहीं होगा ये. मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि दिस पर्सन इज गोना बी समबडी जो कि सीरियस रिलेशनशिप में जाना चाहता है. सो एक ऐसा पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएगा. कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये सिर्फ जो ब्रेकअप हो या आपके लिए एक मिनी ब्रेकअप हो, जहाँ पर आपके पर्सन और आपके दरमियान में जो यू नो एक दूसरे को आप फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी उस रिलेशनशिप से. और फिर उस मिनी ब्रेकअप का रिजल्ट ये होगा कि आप और आपके पर्सन जो हैं एक दूसरे को खोने से डरेंगे. यू नो वो रियलाइजेशन उनको इस टाइम अपार्ट में हो जाएगी जो कि शायद साथ रहते हुए नहीं हो पा रही थी. सो कुछ लोगों के लिए इट्स गोना वर्क आउट दैट वे, लेकिन कुछ लोगों के लिए अगर एंडिंग हो चुकी है, अगर आप कंप्लीटली सिंगल हो राइट नाउ, तो एक नया पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएगा जो कि आपकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस और इमोशनल फुलफिलमेंट लेकर आएगा. आपको डेफिनेटली जस्टिस मिल रहा है. अगर कोई एंडिंग होती है तो आपने उस चीज़ को लेकर अपसेट नहीं होना है, घबराना नहीं है. रिजॉल्व हो जाएंगी चीज़ें आपकी लाइफ में जिस तरह से आप चाहते हो, वैसा होगा जो आप डिज़ायर रखते हो. हो सकता है कि आपकी डिज़ायर कुछ और है और आपको ये पर्सन कुछ नहीं दे सकता जिसके साथ आप करंटली हो. सो गॉड इज़ गोइंग टू टेक दैट पर्सन अवे, और जो ऐसा पर्सन जो आपकी विश फुलफिलमेंट के लिए आपके साथ रह सकता हो, वैसा पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएगा. सो अगर कोई एंडिंग हो रही है, इट्स बिकॉज क्योंकि यू आर गोइंग टू गेट हैप्पीनेस. आपकी लाइफ में कोई एंडिंग अगर हो रही है तो आप बेसिकली रब की तरफ से पुश किए जा रहे हो टूवर्ड्स द इमोशनल फुलफिलमेंट. जो आपकी डिज़ायर है, जो आपकी विश है, जो आपका दिल चाहता है अपनी लव लाइफ को लेकर, आप एग्जैक्टली वैसा फेज शुरू करने वाले हो अपनी लव लाइफ में. सो अगर कुछ एंडिंग हो रही है, जस्ट नो कि ये मस्ट है टू गिव यू टू हैव यू टू गिव यू वट यू वॉन्ट. सो डिवाइन हैज़ अ बेटर प्लान. तो अगर आप कुछ सोच रहे हो कि ये पता नहीं क्या हो गया मेरे साथ, या ये एंडिंग कैसे हो गई, मेरी लाइफ अब नहीं रही है, ब्ला ब्ला ब्ला, कोई कनेक्शन ख़त्म होता है, किसी की शादी हो गई है, किसी की इंगेजमेंट हो गई है, लेट इट बी. आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान आ रहा है जो कि वर्थ हैविंग है. सो कोशिश करो कि पास में से निकल कर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो. लेट्स सी मोर कार्ड्स है और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले एक हफ्ते में. क्या मेजर चेंज, मेजर शिफ्ट आ सकता है? मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए ये प्रपोजल की तरह से भी आ सकता है, क्योंकि इट्स कमिंग अनएक्सपेक्टेडली. यू नो एक हफ्ते में कितनी मैजिकली क्या कुछ हो सकता है. सो अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, प्रपोजल की तरह आ सकता है. ये पर्सन हो सकता है कि आपकी आसपास ही कहीं हो, लेकिन बिकॉज यू वर विद द रॉन्ग पर्सन, इन्होंने कभी आपको अप्रोच ना किया हो. तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन आपसे अपने
प्यार का इजहार करे या अपनी इंटेंशन का इजहार करे. प्यार तो मैं यहाँ पे नहीं मेंशन करूँगी, मुझे लगता है कि इट्स मोर लाइक ये पर्सन एक रिश्ता बनाना चाह रहा है. सो इट्स मोर लाइक ये लव लव वाला लव नहीं होगा. मुझे लगता है कि इट्स गोना बी मोर ऑफ एन इंटेंशन कि हाँ उसको आप पसंद हो, वो आपसे शादी करके अपना रिश्ता बनाना चाहता है, एक सॉलिड फाउंडेशन ले करना चाहता है टू अ रिलेशनशिप. सो कोई ऐसी सिचुएशन डेवलप होते मुझे यहाँ पे दिख रही है. इवन अगर ये पास्ट पर्सन भी जिसके साथ खत्म हुआ है रिलेशनशिप वो भी वापस आता है तो वो एक सॉलिड रिलेशनशिप के लिए आएगा, कमिटेड रिलेशनशिप के लिए आएगा. वो ओन करते हुए आएगा अपनी फीलिंग्स को, अपनी इंटेंशंस को. अगर वो कमिटमेंट से भागता था, रिलेशनशिप से भागता था, ओन नहीं करता था, फैमिली से बात नहीं करता था आपके बारे में, तो वो ओन करते हुए आएगा. जो भी ये पर्सन आ रहा है आपकी लव लाइफ में, इट्स गोना बी समबडी जो कि रिलेशनशिप को ओन करेगा. सो विच इज़ गुड. जो अगर कुछ खत्म हुआ है या हो जाएगा आने वाले एक हफ्ते में, लेट इट हैपन, क्योंकि आपकी लाइफ जो है वो आगे बढ़ रही है इन अ पॉजिटिव वे. एक सेकेंड, सो लेट्स सी कि और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप आने वाले एक हफ्ते में अपनी लव लाइफ में. क्या मेजर चेंज आने वाला है आपकी लव लाइफ में आने वाले एक हफ्ते में? स्ट्रैटेजी, मैन होल्डिंग अ कॉइन, एडजस्टिंग पॉसिबिलिटीज, अनरीदर एक फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स. मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए अगर आप राइट नाउ स्ट्रगल कर रहे हो फाइनेंशियली, तो मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में जो पर्सन आ रहा है, दिस पर्सन इज गोइंग टू बी हैविंग अ लॉट ऑफ मनी, तो ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आकर आपकी जो फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ हैं उसको भी वॉश अवे करेगा. मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी में आप में से कुछ लोग, अगर आप सिंगल पेरेंट हो या फिर ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे फाइनेंशियली आप स्ट्रगल कर रहे हो, फैमिली को सपोर्ट कर रहे हो और यू नो यू आर टेकिंग केयर ऑफ दैट फैमिली, आप कहीं ना कहीं शादी से अभी दूर भागना चाह रहे हो. आपको लगता है कि शादी कर ली तो शायद आप अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं कर पाओगे, जो कि आपको गलत लगता है. दिस पर्सन जो मुझे दिख रहा है यहाँ पर, जो एम्परर है और द मैन होल्डिंग अ कॉइन है, ये पर्सन बहुत रिस्पॉन्सिबल है. और अगर ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आता है, आपको लग रहा है कि आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हो ओनली इफ़ यू स्टे सिंगल और आप उनको सपोर्ट कर सकते हो, लेकिन इन एक्चुअलिटी जब ये पर्सन आपका पार्ट बनता है आपकी ज़िंदगी का, तो आपके जहन में वो रास्ते हैं ही नहीं जो रास्ते खुलेंगे आपके लिए जब आप इस इंसान को अपना लाइफ पार्टनर बनाते हो. सो मुझे लगता है कि कुछ ऐसी डिवाइन स्ट्रैटेजी है जो कि आपको अनफोल्ड होने वाली है एक हफ्ते में, जिसके बाद आप अपनी लाइफ के वो डिसीजंस लोगे जिससे आप अपने आप को होल्ड बैक कर रहे थे. ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं जो कि आपके जहन के यू नो आपकी समझ से बाहर हैं और आपको लग नहीं रहा कि हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन वो हो जाएगी. सो देयर इज समथिंग ब्यूटीफुल टेकिंग प्लेस आपकी लव लाइफ में. मुझे लगता है कि अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट्स, अनएक्सपेक्टेड हैपनिंग्स, आपकी ज़िंदगी में बुरे वक्त जो है मुझे लगता है कि फाइनली झट रहा है, एक अच्छा फेज़ आपकी ज़िंदगी का शुरू होगा. आप में से कुछ लोग, ये जो पर्सन मैं देख रही हूँ यहाँ पर, ये हो सकता है कि आपसे एज में बड़ा हो, चांसेस हैं 10 साल का डिफरेंस हो सकता है आपके और इस इंसान के दरमियान में. फाइनेंशियली ये स्ट्रांग होगा पर्सन, और फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के साथ साथ मच्योर भी होगा, एज वाइज भी हो सकता है मच्योर, 10 साल का डिफरेंस हो सकता है. लाइक आई सेड, लेट 30s, अर्ली 40s में हो सकते हैं पर्सन, बट एट द सेम टाइम ये बहुत ज़्यादा मच्योर लगेंगे नहीं. इन टर्म्स ऑफ देयर लुक्स आर गोइंग टू बी वेरी यंग, यूथफुल इंसान होगा, बट एज में प्रॉब्ली दे आर गोइंग टू बी ओल्डर. एक और चीज़ मुझे लगता है कि कनेक्शन आपका, वाओ दिस इज अमेजिंग, बहुत ज़्यादा लविंग, बहुत ज़्यादा केयरिंग कनेक्शन होगा जो मैं आपकी लाइफ में आते देख रही हूँ, जो आपका इस इंसान के साथ बनेगा आपका रिलेशनशिप. सो लेट्स सी के आने वाले एक हफ्ते के लिए आपके लिए डिवाइन गाइडेंस क्या है. लेट्स सी डिवाइन गाइडेंस क्या है आपके लिए आने वाले एक हफ्ते के लिए. ओके, तीन कार्ड्स हैं, वाटर गार्डियन, ऑटम एंड हाई प्रीस्ट. पहली चीज़, कनेक्ट विद योर इमोशंस. मुझे लगता है कि आपको अपने इमोशन से भागने की ज़रूरत नहीं है. जो भी आप फील करें, ओन दैट, एक्सेप्ट दैट, एंड देन हील. अगर आपको करना है किसी भी इमोशन से, आप हील करके आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो. आप में से कुछ लोग वाटर साइन हो सकते हो, वाटर साइन को डील कर रहे हो सकते हो. रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट. मुझे लगता है कि अगैन जो कुछ हो चुका है आपकी ज़िंदगी में, ट्राई टू लेट गो ऑफ दैट. एक नया चैप्टर आपकी ज़िंदगी में स्टार्ट होने वाला है, तो अलाउ दैट टू हैपन. इंटेंड एंड क्रिएट. डिवाइन रियली वॉन्ट कि आप अपने इंट्यूटिव पावर्स को टैप इन करके जो भी आपकी विश है अपने रब को शेयर करो, चाहे वो लिख कर करो, बोल कर करो, दुआ करके करो, एंड देन सरेंडर. उसके बाद आपने रेस्ट करना है, उसके बाद आपने वरिड नहीं होना, उसके बाद आपने अपसेट नहीं होना. बिलीव रखना है कि जो आप डिज़ायर कर रहे हो वो आपको मिलेगा, और वो फिर आपको मिलेगा, आपकी ज़िंदगी में वो क्रिएट होता आप देखोगे. आप में से कुछ लोग ऑलरेडी, अगर जो सिंगल हैं, मुझे लगता है कि ऑलरेडी आप ये
प्यार, ये अफेक्शन, ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हो, कैसे आएगा ये पर्सन, ये आप अपने रब पे छोड़ो। कैसे होगा सब कुछ बेहतर, ये आप अपने रब पे छोड़ो। ये पर्सन, आप एक चीज़ जानो कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेगा, बहुत ज़्यादा लविंग होगा, रिस्पेक्टफुल होगा टुवर्ड्स यू, आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी लेके आएगा, नॉट जस्ट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बट इमोशनल स्टेबिलिटी भी। और मुझे लगता है कि पर्सन प्रोवाइडर होगा आपकी लाइफ में, चाहे वो आपके लिए प्रोवाइडर हो, आपकी फैमिली के लिए प्रोवाइडर हो, अगर आप सिंगल पेरेंट हो तो उसके लिए प्रोवाइडर हो। बट येस, ओपन अप टू द पॉसिबिलिटी, कुछ अनएक्सपेक्टेड होने वाला है आपकी लाइफ में, जहाँ पर यू आर गोइंग टू मीट दिस पर्सन जो कि विलिंग होगा। और एक और चीज़ मज़े की, वो ये है कि ये पर्सन आपकी दुआओं का रिजल्ट होगा, आपकी आपकी प्रेयर्स का जो है फल होगा, सो पेशेंस का भी हो सकता है। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की, अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए, टेक केयर एंड बाय।